नमस्कार दोस्तों, पूनम की झटपट रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बंद गोभी का कोफ्ता बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए बंद गोभी का कोफ्ता बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि मैंने कोफ्ता बनाने के लिए किन किन सामग्रियों का प्रयोग किया है। इसके लिए मैंने एक मीडियम साइज के बंद गोभी को लिया है और इसे इस तरह से बीच से काट लिया है और अब मैं इसे इस तरह से कद्दूकस कर लूंगी। ये देखिए, इस तरह से कद्दूकस कर लेना है। ये देखिए, ये इस तरह से हमें कद्दूकस कर लेना है। और यदि आपके पास फूड प्रोसेसर है तो आप उससे भी इस तरह से कर सकती हैं, उसमें आपका काफी जल्दी हो जाएगा। ये देखिए, मैंने बंद गोभी को इस तरह से मैंने ग्रेट कर लिया है और अब मैं इसे इस प्याले में इस तरह से इसमें डाल दूंगी। तो चलिए अब मसालों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि मैंने मसालों में क्या क्या लिया है। इसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर को लिया है, 2 हरी मिर्च, 1 साबुत मैंने लहसुन को लिया है और 1.5 इंच टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। यदि आप लहसुन नहीं खाती हैं तो इसे आप स्किप कर सकती हैं, इसे आप छोड़ सकती हैं। और मैंने इन सभी अदरक, टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन का को इस तरह से मिक्सी में पीस लिया है और इस तरह का मैंने पेस्ट बना लिया है। बेसन मैंने 5 टेबलस्पून लिया है, लाल मिर्च आपकी इच्छा अनुसार, गरम मसाला 1 टीस्पून, काली मिर्च मैंने 1/2 टीस्पून लिया है और धनिया मैंने 2 टीस्पून लिया है, कसूरी मेथी 2 टीस्पून, हरा धनिया 2 टेबलस्पून, हल्दी 1.5 टीस्पून, नमक स्वादानुसार। और तड़के के लिए मैंने 1 बड़े प्याज को लिया है और इसे इस तरह से लंबा लंबा काट लिया है, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 जावित्री का टुकड़ा, 2 लौंग, 1 टीस्पून जीरा, 1 सूखी हुई लाल मिर्च और 1 तेज पत्ता। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले कोफ्ता बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। इसके लिए मैं इसमें सबसे पहले 1 हरी मिर्च को इस तरह से काटकर मैं डाल दूंगी। आप, मैं 1 हरी मिर्च डाल रही हूँ, आप जितना तीखा चाहें उतना इसमें हरी मिर्च को डाल सकती हैं। और अब मैं इसमें 1 टीस्पून नमक, हल्दी, 1 डालूंगी और इसमें मैं बेसन को इस तरह से मिलाऊंगी। थोड़ा थोड़ा बेसन इसमें डालूंगी और इसे मिलाऊंगी और थोड़ा सा हरा धनिया भी इसमें मिला दूंगी। और अब इसे मैं अच्छी तरीके से हाथ से इस तरह से इसे मिलाऊंगी और कोफ्ता के लिए इसे तैयार करूंगी। ये देखिए, थोड़ा और बेसन इसमें मैं डाल रही हूँ। ये हमारा कोफ्ता बनाने के लिए बेसन और बंद गोभी को मैंने अच्छे तरीके से मिला लिया है और इस तरह से मैं कोफ्ता के बॉल्स को इस तरह से मैं बना लूंगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने सभी कोफ्ते को इस तरह से बना लिया है। आप चाहे तो इससे बड़ा भी कोफ्ता बना सकती हैं। और मैंने गैस पर
तेल को चढ़ा दिया है और ये गर्म हो चुका है। और अब मैं कोफ्तों को इस तरह से तल लूंगी। कोफ्ते को ज़्यादा तेज आंच पर नहीं पकाना है, नहीं तो ये कच्चा रह जाएगा। इसे धीमी आंच पर पकाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह से मैं सभी कोफ्तों को इसमें डाल दूंगी। एक एक कर सभी कोफ्तों को इसमें डाल दूंगी। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कोफ्ता जो है बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल सुनहरा हो चुका है। और इसे मैंने ज़्यादा आंच पर इसे नहीं पकाया है, इसे थोड़ा और हमें सुनहरा करना होगा। और अब मैं इसे इस तरह से प्लेट में निकाल दूंगी। ये देखिए मैंने सभी कोफ्तों को इस तरह से तलकर निकाल लिया है। और अब मैंने चूल्हे पर कढ़ाई को चढ़ा दिया है और मैंने इसमें 3 टेबलस्पून के लगभग मैंने तेल को डाला है। मैंने सरसों का तेल डाला है, आप चाहे तो कोई सा भी तेल इस्तेमाल कर सकती हैं। सबसे पहले मैं इसमें जीरा को डालूंगी, लाल मिर्च, तेज पत्ता, गरम मसाला और जीरा हमारा चटक रहा है। और अब मैं इसमें प्याज को डालूंगी, प्याज को थोड़ा सुनहरा इसे भून देना है। ये प्याज जो है ये बिल्कुल सुनहरा हमारा भून चुका है। और अब मैं इसमें टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का ये जो पेस्ट बनाया है इसे मैं इसमें डाल दूंगी। और इसे भी अच्छे तरीके से हमें भून लेना है। ये देखिए टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट मैंने डाला था ये बिल्कुल भून चुका है। ये देखिए किनारों से ये तेल छूटने लगा है। और अब मैं इसमें मसालों को डालूंगी। धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून और नमक 1 टीस्पून। और अब इसे अच्छे तरीके से इस तरह से इसे फ्राई कर लेना है। तो उसे 3 मिनट से इस तरह से और अब मैं इसमें कसूरी मेथी को इस तरह से डाल दूंगी। ये मैंने 1/2 टीस्पून लिया था और इसे भी अच्छे तरीके से इस तरह से मिला देना है। और अब मैं इसमें लगभग 1 कप पानी डाल दूंगी और इसे इस तरह से मिला लेना है। जब इसमें एक उबाल आएगा तब मैं इसमें कोफ्तों को डाल दूंगी। ये देखिए अब इसमें एक उबाल आ चुका है। और अब मैं इसमें थोड़ा धनिया पत्ता को इस तरह से डाल दूंगी और इसे भी अच्छी तरीके से इस तरह से मिक्स कर दूंगी।
और अब मैं कोफ्ता को इस तरह से डाल दूंगी। देखिए मैंने सभी कोफ्तों को डाल दिया है और अब मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ। ये हमारा बंद गोभी का कोफ्ता बनकर तैयार है। बंद गोभी का कोफ्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। दोस्तों आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, इसे बनाएं, खाएं और हमें बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। यदि आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।